ਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾਦੀ ਅੱਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਾ 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 ਨਾਨਾ ਵੀ ਨਾ 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 ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਿਲਾਲ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਤਚੀਤ ਟੀਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋ ਇਨ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਲੋਗ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ अगर बात की जाए इनकी प्रॉपर्टी की इनकी मालियत की तो ये माशाल्लाह जितने मेरे पीछे जानवर खड़े हैं इस टाइम इस हवेली में ये सब के सब अमीर हमजा के हैं और इसके साथ साथ अमीर हमजा की 10 किले पहली जमीन भी है और भी बहुत सी चीजें हैं जो अमीर हमजा के नाम है लेकिन अमीर हमजा को उसकी कोई लालच नहीं है ये अल्लाह लोग है और मोहब्बत करता है हम इससे त्रिडे वाली गाँव में मिलने आए हैं और बात करते हैं अमीर हमजा से अस्सलाम वालेकुम कैसे हो ठीक है यार ठीक हो दादी देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में अमीर हमजा बात करता है और हम मजीद इसके खेत भी देखेंगे और आपको जानवर भी दिखाएंगे इनके वाली साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन्हें कौन कौन सी चीज पसंद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तस्कीन साहब कैसे हैं आप सब घर में लगा ठीक है तस्कीन साहब अमीर हमजा कौन सी चीज पसंद है ज्यादा दूध ज्यादा पीना है चावल ज्यादा खाना है गोश्त भी खा लेना है ये अमीर हमजा इस टाइम कोई जिद करता है आपके साथ कि कोई जिद की हो कि मैंने ये चीज लेनी है ये लेनी है ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हुआ है अमीर हमजा से करता है आपके साथ आओ कर लेंदा वाक्य अच्छा हाँ जी और कर ले तो वो ना लगो तो गया अच्छा तो असि कोई भी बड़े वाकया वेखे ने ते कोई वाकया हमें बताएं इसका असि दरबार गए ना तो पुलिस वाला आंदा भी उसी नहीं जाना ठीक है तो असि आहा असि जाना ते हैगा ही तो मैं असि वापस आ जाने असि वापस मुड़े हैं ते फिर वो नस के आ गया उन्हां दा वड्डा उत्तर इंस्पेक्टर जी वो आण के उन्हें वीरम दान फड़ लिया माफी दो तो तुसी जाओ अंदर अच्छा ये दादा साहब है वाकई हाँ दादा साहब नाज़रीन आपने सुना कि ये वाकई आपने सुनी लिया है इसकी बड़ी बड़ी अच्छी हरकतें भी हैं और जब जिद्दी हो जाए तो फिर बात मनवा के छोड़ता है और ये अपने जानवर से बहुत मोहब्बत करता है और अपने पापा के साथ बड़ा काम करवाता है ज्यादातर टाइम जो है अपने बाबा के साथ स्पेंड करता है इसके जो बाबा है वो साथ साथ रहता है जब कोई काम आना हो हवेली में या घर में तो ये उनके साथ रहता है अच्छा तस्कीन साहब इसकी खसूसियत क्या है ये इसकी खसूसियत में कोई चीज बताएं हाँ जी ये अपने कमरे से वखरा आएंगे पढ़ेगा अच्छा पाक पढ़ता रहेगा कलमा शरीफ पढ़ता रहेगा ऊंची ऊंची जिद करता रहेगा भावे दो घंटे लगा रहे अच्छा करता रहता है ये लगातार किसी के पास नहीं कर कल्ला करता है कमरे में अकेला करता है हाँ जी अमीर हमजा विर्द करते हो लोगों को क्या कहना चाहोगे अच्छा ठीक है यार अच्छा अच्छा हमारे साथ लाहौर जाओगे ठीक है यार क्या कह रहे हाँ बता अभी वाले लाहौर जाएंगे जी जी कह रहे हाँ मैं जाऊंगा पहले 12 साल इसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसके बाद ये कमरे में जाता अल्लाह अल्लाह करता उसके बाद अल्लाह का वीर करता फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ये बाद में बोलने लग गया अपने दादा बू का अपने नाना बू का नाम बोलता है और इसमें और भी खसूसियात है और इनके वालिद साहब का ये कहना है तस्कीन साहब का कि जब ये कोई चीज पे अड़ जाए तो ये उसे मनवा के छोड़ता है आइए इनके जो वाकयात हैं इनके साथ जो पेश आए हैं मुख्तलिफ वाक्य इनके वालिद साहब बता रहे थे हम बात करते और पूछते हैं जी तस्कीन साहब आप एक वाक्य बता रहे थे दादा साहब में वो क्या वाक्य था हमें बताएं जरा सच दसा भी वो आया बिस्कुट खुआंदा रहा केले खुआंदा रहा ने यहाँ चला जा अच्छा चला गया तबादला हो गया फिर आया महीने बाद साढ़े मत्थे लगा तो मैं हम चलो फिर इन्होंने कर गल जा उसे बुजुर्गों ने सलाम कर अल्लाह के तौबा कर उन्हें हम इतने आना है तो चलो अल्लाह करेगा तू इतने आ जाएगा तो उस दिन ही रात न रात 12 बजे आर्डर हो गया अच्छा और वो दोबारा आ गया दोबारा आ गया और आप बता रहे थे वो मिठाइयों के डब्बे वगैरह लाया ये क्या मामला हुआ वो 5 टोकरिया मिठाई दिया ले आया अच्छा ते वो आला ही मेरी एक भतीजी जेडी वो ठीक नहीं है अच्छा ते अल्लाह करे ते ए दे वो जेडी इने वो खांदा पे ही वो बर्फी लग गया तो भी ठीक हो गई वो 12-14 साल मंजी दे रही माशाल्लाह अब ठीक है बिल्कुल हाँ ठीक है
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੋ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ इन जैसों की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करता है। ये लोग अल्लाह ताला के बहुत ही करीब होते हैं। लोग ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।